नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इलेक्ट्रिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज आपके सामने हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं प्राइम प्लस स्मार्ट एंड प्राइम प्लस MPTT सोलर चार्जिंग कंट्रोलर। आप देख सकते हैं इसके साथ आप 24 वोल्ट का पैनल 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में बदल सकते हैं। चलिए हम आपको ये अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं इसके साथ क्या क्या आया है। ये आज ही मैंने अमेज़ोन से मंगवाया है, अब भी चाहे इसको मंगवा सकते हैं। कम से कम को 4,500 या 5,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। ये इसके साथ आपको कुश्ती मिल जाएगी जो ज्ञान की बातें हैं। चलिए इसको हम अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया MPTT सोलर चार्जिंग कंट्रोलर है। इसके साथ आप 24 वोल्ट का पैनल 12 वोल्ट के साथ बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ आपको मिलता है एक LCD डिस्प्ले और मेनू बटन और अप डाउन बटन, जिसके साथ आप बैटरी का DOD सेट कर सकते हैं। और ये है आपका पैनल माइनस, ये पैनल प्लस, और ये बैटरी माइनस, और ये बैटरी प्लस, और ये आपको मेंस मिल जाता है। और यहाँ से आपका इन्वर्टर के लिए मेन आउटपुट मिलता है। और इसके साथ आपको एक कूलिंग फैन भी आएगा इसको ठंडा करने के लिए। और ये मेंस को आप ओपन कर सकते हैं यहाँ से। और दोस्तों, इस MPPT चार्जिंग कंट्रोलर का मैं ख़ास बात ये है कि आप ये इस 12 वोल्ट की पैनल के साथ आप 12 वोल्ट की बैटरी को सेट कर सकते हैं और 24 वोल्ट के पैनल के साथ 12 वोल्ट की बैटरी आप सेट कर सकते हैं। आप किसी भी तरह के पैनल को 12 वोल्ट की बैटरी में सेट कर सकते हैं। और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ इसका मॉडल नंबर, ये इसका स्मार्ट एन है प्राइम प्लस 24 वोल्ट 30 एम्पीयर। और इस MPPT चार्जिंग कंट्रोलर की और एक सबसे बड़ी जो खास बात है कि वो आप इस MPPT चार्जिंग कंट्रोलर के द्वारा आपको 30% तक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है। तो आज के लिए वीडियो बस यही तक है और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका इंस्टॉलेशन दिखाएंगे और सोलर से कितना पावर आ रहा है, जनरेट हो रहा है, और ये एक्स्ट्रा कितना बूस्ट कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इंस्टॉलेशन के साथ पूरी डिटेल बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।